हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपना जो भी ऑटोकैड का 2D प्लान होता है तो उसको रिवेट में इंपोर्ट करके उसको 2D टू 3D कैसे डेवलप कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले तो आपने प्रीवियस वीडियोज़ अगर नहीं देखे तो वो एक बार ज़रूर आपको देखनी है, ताकि जो भी हमने क्रिएटिंग वॉल्स देन लेवल्स ये सारी जो चीज़ें सीखी है तो वो आप इजीली यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सके। ओके, तो सबसे पहले मूव ऑन करते हैं यहाँ पे यूनिट्स के साथ। तो ये जो हमारी टेम्पलेट, आप जो भी कुछ यहाँ पे ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको यूएन टाइप करना है। यूएन जो होता है वो प्रोजेक्ट यूनिट का शॉर्टकट है, यानी सिंपली यूनिट्स पे भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पे यूनिट में जाने के बाद जो लेंथ है तो ये आपको यहाँ से बदलनी पड़ेगी एज पर आपका जो भी 2D प्लान होगा ऑटोकैड का उसके अकॉर्डिंगली। तो ये जो मेरे डायमेंशंस है ये जो है फिलहाल मीटर्स में है, तो उसको मुझे अगर मीटर्स में लाना है तो मैं यहाँ पे लेंथ पे जाऊँगा। लेंथ पे जाने के बाद ये फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस है, तो इसको जाके सिंपली मैं मीटर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। उसकी जो राउंडिंग है वो यहाँ पे 0 डेसिमल प्लेसेस है, तो ये राउंडिंग यूनिट्स वगैरह हम पहले ही देख चुके हैं तो ज़्यादा मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। उसके बाद आता है यूनिट सिंबल, तो वो होता है मीटर्स में, एंड मीटर में करने के बाद सिंपली हमें ओके कर देना है। तो जो लेंथ होती है ये देखिए यहाँ पे मीटर में हो चुके हैं फीट टू इंचेस से। ओके, तो मैं सिंपली ओके कर दूंगा। वैसे आप डायरेक्टली टेम्पलेट्स में जाके, डिफॉल्ट टेम्पलेट में जाके मीटर्स एंड एमएम वाली जो मेट्रिक टेम्पलेट होती है उसको आप एडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन बाय मिस्टेक अगर आपसे रह जाए तो आप ऐसे यहाँ पे आके भी उसको चेंज कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये बता दिया। ओके, ये होने के बाद हमें यहाँ पे एक बार लेवल्स पे जाना है। सपोज मैं एलिवेशंस पे जाके साउथ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे डिफॉल्ट कुछ लेवल्स यहाँ पे है। अगर आपका वर्जन अलग हो या कुछ अलग सेटिंग्स हो तो ये लेवल्स अप डाउन होती है, या और भी सारी कम ज़्यादा लेवल्स होगी तो उसमें नो इशू, आप उसको एडिट कर सकते हो। उसके बारे में मैंने पहले ही यहाँ पे वीडियो में बताया है आपको, प्रीवियस वीडियोस में उसको एक बार देख लेना है। ओके, तो ये लेवल 1 लेवल 2 है। इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि जो भी आप लेवल 1 का वर्कआउट करोगे एंड इट इज़ लोकेटेड एट 0 मीटर्स, दैट इज़ जो भी मैं प्लान बनाऊंगा या जो भी इस लेवल पे वर्कआउट करूंगा तो वो उसका एलिवेशन 0 मीटर होगा, यानी कि सिंपली ग्राउंड लेवल से होगा। लेवल 2 पे अगर मैं डायरेक्टली जाता हूँ, सपोज मुझे ये मेरा लेवल 1 से लेके लेवल 2 का काम खत्म हो चुका है 3 मीटर्स तक, 3 मीटर के ऊपर अगर मुझे कुछ डायरेक्टली बिल्ड करना है तो मैं सिंपली लेवल 2 क्लिक करूंगा फ्लोर प्लान में जाके, एंड वहाँ पे जो भी मेरा वॉल वगैरह है या प्लान है वो बनाना चालू करूंगा। तो वो जब बनेगा तो वो बनेगा लेवल 2 पे। ओके, तो ये लेवल 1 लेवल 2 जो है इसका थोड़ा सा बेसिक्स था कि आप यहाँ पे लेवल का यूटिलाइजेशन करके कैसे उसको परफॉर्म कर सकते हो। ओके, लेकिन आपको कंपलसरीली प्रीवियस वीडियो देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको बहुत ही डिफिकल्ट जाएगा इस वीडियो में कंटिन्यू करना। तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। तो ये जो मैंने ऑटोकैड का 2D प्लान लिया है तो ये बेसिक ग्राउंड फ्लोर पर लोकेटेड है, यानी कि एक सिंपल सिंगल फ्लोर या सिंपली ग्राउंड लेवल पे ये जो है मेरा प्लान है। तो इसीलिए मुझे जो है इस लेवल पे मुझे ये वर्कआउट चालू करना है, तो मैं इसको लेवल 1 पे जो है यहाँ पे उसको रखता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके मुझे जो है एक और लेवल क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज ये लेवल 1 है, इसको मैं क्लिक करता हूँ एंड डबल क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हो। सपोज मैं इसको बनाता हूँ GL, दैट इज ग्राउंड लेवल, एंड सिंपली यहाँ पे यस करता हूँ तो ये मेरे ग्राउंड लेवल बन गई। उसके बाद जो है मुझे आर्किटेक्चर पे जाना है एंड यहाँ पे जाके लेवल पे जाना है, या सिंपली आप LL भी क्लिक कर सकते हो शॉर्टकट। तो मैं लेवल पे जाने के बाद जो है यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये लेवल है, लेकिन लेवल पे जाने के बाद डायरेक्टली ऐसे लेवल क्रिएट करने से अच्छा है यहाँ पे ये जो लाइन है तो ये लाइन ना लेके हुए पिक लाइंस लेंगे। ओके, पिक लाइन लेने के बाद जो ऑफसेट है यहाँ पे आपको ऑफसेट डालना है। तो बेसिकली मुझे ये जो ग्राउंड लेवल है यहाँ से प्लिंथ अगर यहाँ पे बनानी हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो प्लिंथ मेरी लोकेटेड है सपोज 0.6 पे, तो मैं ऑफसेट डालूंगा 0.6 एंड उसको सिंपली ये जो पिक लाइन है यहाँ से इसको ऐसे इस पर्टिकुलर लाइन पे, इस बेस लाइन पे ले जाऊंगा, आइदर डाउनवर्ड अपवर्ड ये हो सकता है। तो मुझे ऑफकोर्स प्लिंथ लेवल जो है ग्राउंड लेवल के अबो यहाँ पे होगी, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे ये लेवल 3 ऐसे करके आया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एस्केप कर देता हूँ ताकि मैं कमांड से बाहर आ सकूँ। तो ये जो है लेवल 3 है, इसको मैं डबल क्लिक करके जो है एडिट कर दूंगा। सपोज मैं इसको कर दूंगा प्लिंथ। ओके, तो ये मेरी प्लिंथ यहाँ पे होगी एंड उसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 1 मीटर है, लेकिन एक्चुअल में वो 0.6 है अगर आप क्लिक करके देखो, लेकिन एज पर राउंडिंग जो है ये 1 मीटर आ चुका है। ओके, तो ये राउंडिंग वगैरह यूनिट्स एंड लेवल्स में हमने कवर किया है तो ये मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो हमें बेसिक यहाँ पे ग्राउंड लेवल चाहिए थी जहाँ से हम यहाँ पे काम शुरू कर सके, देन प्लिंथ यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है प्लिंथ का हमें वर्कआउट करना है, तो ये प्लिंथ है। प्लिंथ के बाद जो लेवल 2 है इसे हम यहाँ पे बना देते हैं स्लैब। ओके, तो मैं सिंपली इसको स्लैप करता हूँ एंड यहाँ पे नीचे एक बार क्लिक कर देता हूँ तो ये सेव यहाँ पे एडिट्स हो जाएंगे। तो ये मेरा जो है ग्राउंड लेवल से 0 है, प्लिन जो है वो लोकेटेड है एट 0.6,
लेकिन ये जो स्लैब है वो 3 मीटर पे है, 3 माइनस अगर 0.6 हो जाता है तो मेरे पास 2.4 ही बचेगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर जो मेरी लाइन है यहाँ पे 3.6 इसको कर देता हूँ, तो मैं 3.6 कर दूंगा, यानी कि जो भी मेरा प्लिंथ लेवल से यहाँ तक का जो स्लैब का जो स्लैब तक का जो डिस्टेंस होगा तो वो मेरा हो जाएगा 3.6। अब ये राउंडिंग करके 4 है लेकिन एक्चुअल में ये 3.6 यहाँ पे है। ओके, तो ये आपके लेवल जो है ये बेसिक एक लेवल क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद मैं फिर से ग्राउंड लेवल पे जाता हूँ। अबे यहाँ पे अभी ग्राउंड लेवल पे आपको टॉप व्यू ऐसे नज़र आएगा, तो टॉप व्यू को आपको ये नज़र आएगा, तो आपको सिंपली अब नेक्स्ट जो स्टेप उठाना है वो है ऑटोकैड प्लान को इम्पोर्ट करना, ये जो प्लान है इसको इम्पोर्ट करना। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्ट करने के लिए सिंपली इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे इम्पोर्ट वाला जो टैब है उसमें इम्पोर्ट कैड, ये जो फर्स्ट टैब है उसको क्लिक करना है। इंपोर्ट करने के बाद जो जहाँ पे आपकी फाइल लोकेटेड है उस लोकेशन पे जाके सिंपली इसको क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले कलर जो है वो प्रिजर्व यहाँ पे रखना है, लेयर्स ऑल करना है, इंपोर्ट यूनिट जो है मीटर में है, मुझे पता है कि मेरे यूनिट मीटर में है, तो ये इस पर सिंपली मैं मीटर कर दूंगा। उसके बाद पोजिशनिंग जो है ऑटो सेंटर टू सेंटर, ओरिजिन टू ओरिजिन, आपके ड्रॉइंग के हिसाब से आप कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे सेंटर टू सेंटर ही रखता हूँ। प्लेस एट ग्राउंड लेवल, यानी कि जो भी ये प्लान इंपोर्ट होगा ये कहाँ पे होगा, तो ये मुझे ग्राउंड लेवल पे चाहिए तो मैं ग्राउंड लेवल पे क्लिक कर सकता हूँ। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे स्लैब का या प्लिंथ लेवल का अलग प्लान रहेगा तो मैं यहाँ पे यहाँ से उसका लेवल जो है वो सेटअप या चेंज कर सकूंगा। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें होगी। यहाँ पे एक कॉमन प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत से लोगों का इंपोर्ट करने के बाद भी जो है विजुअल नहीं होता है, तो आपके लिए उसके लिए मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप ये जो कलर है यहाँ पे ये ब्लैक एंड व्हाइट रख के देखिए। देन जो लेयर्स या लेवल्स होते हैं उसको तो ऑल ही रखना है, इंपोर्ट यूनिट भी मीटर रखना है। देन पोजिशनिंग जो है वो यहाँ पे आप ओरिजिन टू ओरिजिन एक बार करके देख सकते हो। यानी कि क्या होता है कि सपोज ये मेरा ड्राइंग है, यहाँ पे ये वाई एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिखाई देंगे, तो ये वाई एक्सेस वाई एंड एक्स जो है ये ऐसे यहाँ पे कोने में रहता है यूजुअली, लेकिन जब आप इसको सिलेक्ट करते हो एंड यहाँ पे मूव करते हो, सपोज ये मैंने यहाँ से उठाया इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है ये पर्टिकुलर ये जो ड्राइंग है इसके ओरिजिन पे रखना है। यानी कि क्या करना है आपको, ये जो इसका एजेस है या ओरिजिन है इस पे जाके सिंपली करना है, एंड इसके बाद कंट्रोल एस करके सेव कर देना है। अगर आप ऐसी सेटिंग करते हो यानी कि वाई एंड एक्स एक्सिस अगर इसके ओरिजिन पे रखते हो, तो उसके बाद आप यहाँ से जो है सेंटर टू सेंटर से ओरिजिन टू ओरिजिन इसको कर सकते हो, लेकिन ये तभी करना है जब एक बार आपको ये पहले तो जो डिफॉल्ट आपका रिवेट जो है ओपन करके देता है उसी को ओपन करके देखना है। नहीं होता है तो आप ये ऐसा फॉलो कर सकते हो। ओके, उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे आगे चल के बता दूंगा। ओके, तो ये सेटिंग्स है उसको मैं सिंपली यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिक जो हमारा प्लान है वो ऐसे इम्पोर्ट हो सक यहाँ पे हो चुका है। तो मैं बात कर रहा था कि अगर ये प्रॉब्लम आपको आता है कि आपका इम्पोर्ट अगर डायरेक्टली नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो 3D व्यू है एक बार उस पर जाके क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे जाके सबसे पहले तो जूम एक्सटेंड दैट इज ZE आपको प्रेस करना है, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली जूम हो जाए उस पर्टिकुलर व्यू पे। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी यानी कि कॉपी करना है, फिर से फ्लोर प्लान पे एक बार आ जाना है। एंड सपोज मैं यहाँ पे सपोज ये अभी तो दिख रहा है, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो सपोज कहीं पे भी आप सिंपली एरो पे क्लिक करिए एंड कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट कर दीजिए। तो ये देखिए पेस्ट करने के बाद ये ऐसा ऑप्शन आपके पास आएगा, और मैं सिंपली अगर इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये आपका प्लान यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये एक मेथड है जो थोड़ा सा एक चीट कोड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर प्लान को इम्पोर्ट करने के लिए। ओके, तो फिलहाल मैं फ्लोर प्लान के ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे हूँ लोकेटेड, तो यहाँ पे जो है एक बार मैं एलिवेशन पे आ जाता हूँ साउथ पे, तो ये जो है मेरा प्लान इस पर्टिकुलर लेवल पे कहीं पे लोकेटेड है यानी कि ग्राउंड लेवल पे है। अभी मुझे नेक्स्ट जो वर्कआउट करना है वो है प्लिंथ, यानी कि जो प्लिंथ वॉल है वो 0.6 पे है, तो वो मुझे एलिवेट करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल के पास आऊँगा। ग्राउंड लेवल पे आने के बाद ये जो मेरा प्लान है, सबसे पहले तो आपको पूरे प्लान को सिलेक्ट एक बार करना है एंड इसको यहाँ पे यहाँ से एक्सप्लोर करना है, तो यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद पार्शियल एंड फुल है, तो इसमें से फुल को आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि ये पूरा जो है एक एक कंपोनेंट जो है ये ऐसे एक्सप्लोर हो जाए या सेपरेट हो जाए। ये होने के बाद आपको आर्किटेक्चर पे आना है एंड वॉल पे क्लिक करना है। वॉल के बारे में जो है बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है, तो मैं ज़्यादा डिटेलिंग में इसके नहीं जाऊंगा, सिंपली जो हमें इसेंशियल है वही चीज़ें पर्टिकुलर इस वीडियो में बताऊंगा। तो वॉल पे करने के बाद जो है सबसे पहले तो आपको मॉडिफाई पैनल आएगा, उससे पहले जो मेन चीज़ है वो है बेसिक वॉल का जो टाइप है तो वो 8 इंचेस है, तो यहाँ से अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँगा तो मैं सपोज जाता हूँ यहाँ पे जेनेरिक 4 इंचेस ब्रिक पे, तो ये मैंने सेट कर लिया यहाँ से 4 इंचेस।
उसके बाद जो मॉडिफाई पैनल है यहाँ पे उसकी हाइट है, तो उस पर डेप्थ एंड हाइट है, उसमें से आपको हाइट रखना है। उसके बाद जो है जो एंड्स है उसके, तो ये कहाँ तक, यानी कि ग्राउंड लेवल पे हम वर्कआउट कर रहे हैं तो ये ग्राउंड लेवल से लेके कहाँ तक आपको लेना है, तो ये मुझे लेना है सपोज प्लिन पे, यानी कि जो भी मैं वॉल बनाऊंगा तो ये यहाँ से लेके प्लिन तक मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पे प्लिन करूंगा। डायरेक्टली अगर आपका स्लैब होगा या जो भी कुछ फ्लोर होगा उस पर भी आप रख सकते हो एज पर आपकी रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो लोकेशन लाइन है वो है वॉल सेंटर लाइन, तो इसके बारे में एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। तो सपोज ये वाला पॉइंट है, यहाँ से मैं लाइन डायरेक्टली ड्रॉ करना चालू करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ तो पहली बात तो ये डायमेंशन में नहीं है, वो तो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको चेंज करना है, लेकिन वॉल्स लोकेशन लाइन वॉल सेंटर लाइन है। इसका मतलब ये देखिए, ये अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ तो ये जो भी मैं वॉल बना रहा हूँ, तो इसका जो ये जो भी वॉल बन रही है तो उसका जो लोकेशन लाइन है वो सेंटर लाइन से होके जा रहा है, यानी कि सेंटर लाइन एज अ रेफरेंस ये लाइन मान रही है। तो अगर मुझे एक्चुअल मेरी वॉल है यहाँ पे, अगर मैं ये देखिए ऐसे बनाता हूँ तो ये इसके सेंटर से होके गुजरेगी, लेकिन मुझे जो है एस्केप में एक बार कर दूंगा तो मेरी कमांड जो है वो एंड हो जाएगी। तो सपोज मुझे सेंटर से करना है तो मैं सिंपली इसके सेंटर पे जाऊंगा एंड यहाँ से करूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा कि हर बार मुझे यहाँ पे सेंटर पे जाना पड़ेगा एंड उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा अगर मैं कॉर्नर टू कॉर्नर अगर जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, लोकेशन लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे फिनिश फेस इंटीरियर पे क्लिक करूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये पॉइंट जो है सिंपली जो है इंटीरियर पॉइंट पे, इसका जो लाइन का फेस है वो इंटीरियर पॉइंट पे जाके एंड होगा, यानी कि एजेस से हम इजीली इसको परफॉर्म कर पाएंगे। ये होगी फर्स्ट यहाँ पे चेंजेस। देन सेकंड चेंज जो हमें करना है वो लोकेशन लाइन का हम कर चुके हैं, सेकंड चेंज जो करना है वो है उसकी थिकनेस। तो ये थिकनेस आप देख सकते होंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो है इनफ नहीं है। तो ये जो मेरे डायमेंशन है, सपोज मैं ऑटोकैड के प्लान पे एक बार जाता हूँ, डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वाला पॉइंट है एंड ये वाला पॉइंट है, तो ये 0.23 है। ओके, यानी कि एक्सटर्नल वॉल मेरी 0.23 पे यहाँ पे उसका डायमेंशन है। अब मैं क्या करूँगा, एडिट टाइप पे जाऊँगा। एडिट टाइप पे जाने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू भी आप ऑन कर सकते हो। ओके, उसके बाद ये थोड़ा सा साइज कम ज़्यादा आपके हिसाब से आप कर सकते हो कन्वीनियंट से। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंजेस कुछ करने पड़ेंगे, जैसे कि डायमेंशन के हमें रिक्वायर है, तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर एंड एडिट करना है। लेकिन ख्याल रखिए कि आप जैसे ही इस पर डायरेक्टली करते हो एडिट, तो ये पर्टिकुलर इस डिफॉल्ट जो वॉल है इस पर होगा। तो आपको क्या करना है, डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। डुप्लीकेट पे करने के बाद यहाँ से जो आप वॉल बनाओगे तो वो पर्टिकुलर इस वाले प्लान के लिए बनाओगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इस वाले एडिट पे क्लिक कर देते हो तो ये डायरेक्टली जो हमारी मेन जो डिफॉल्ट यहाँ पे वॉल है या सैम्पल वॉल है उस पर ही ये एडिटिंग हो जाएगी। तो ये हमें अवॉइड करना है एंड इस पे डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। तो डुप्लीकेट में जाके मैं इसको रखता हूँ सपोज एक्सटीरियर वॉल, या आप जो भी है नाम इसका कुछ भी रख सकते हो। सो मैं एक्सटीरियर वॉल यहाँ पे रखता हूँ एंड सिंपली इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फिर उसके बाद स्ट्रक्चर पे जाके आपको उसको एडिट कर सकते हो। तो सैम्पल हाइट जो है यहाँ पे 3.6 मीटर है, उसको आप चेंज कर सकते हो 3 मीटर, सॉरी 0.6 मैं करूँगा क्योंकि मेरा प्लिंथ हाइट तक मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर वॉल को बनाना है, तो ये 0.6 हो गई। उसके बाद जो थिकनेस है यहाँ पे, हमें यहाँ पे कोर बाउंडर्स जो है ये फिनिशिंग का पार्ट है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे डालता हूँ 0.23। 0.23 क्या है, तो ये मेरी थिकनेस है इस पर्टिकुलर वॉल की। तो ये करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे ओके करूँगा, फिर एक बार यहाँ पे ओके कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे ओके करने के बाद ये जो पॉइंट है यहाँ से मैं अगर ड्रॉ करना चालू करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से ये पॉइंट मेरा ड्रॉ हो जाएगा। ओके, अब मैं जो है एक सैम्पल यहाँ पे वॉल यहाँ से यहाँ तक या आगे तक यहाँ पे बना के दिखाता हूँ एंड उसमें जो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे वो यहाँ पे विंडोज़ एंड डोर्स कैसे प्लेस करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे सिंपली इस वॉल को क्रिएट करता हूँ। ओके, वॉल को क्रिएट करने के बाद यहाँ से ये फर्स्ट मैंने वॉल बनाई एंड ये सेकेंड यहाँ से यहाँ तक वॉल बनाई, देन नेक्स्ट वॉल जो है यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये मेरी वॉल जो है प्लेसिंग होना यहाँ पे मैंने प्लेस कर दी है। अब ये वॉल्स जो है मैंने प्लेस की है, इसको अगर मुझे चेकआउट करना है कि ये कैसे यहाँ पे एलिवेशंस में आई है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साउथ एलिवेशन या कोई भी आप रेफरेंस ले सकते हो यहाँ पे जाता हूँ। तो ये जो मेरी लाइंस है ये देखिए जो प्लिंथ लेवल है यहाँ पे बनी है एंड उसका टेक्सचर वगैरह दिख रहा है। टेक्सचर वगैरह बाद में भी आप एडिट कर सकते हो, उसके बारे में हम बाद में डिटेलिंग के पार्ट में देखेंगे या मटेरियल्स में देखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे प्लिंथ ऐसे बन चुका है। उसके बाद मैं फिर से ग्राउंड लेवल पे जाता हूँ, यहाँ से चेकआउट करता हूँ एंड यहाँ पे डिफॉल्ट 3D व्यू है उस पर जाता हूँ। तो ये देखिए ऐसा हमारा जो प्लिंथ है ये बन चुका है, अभी जो है हमारा ये प्लिंथ बन गया है यहाँ पे। ओके, लेकिन ये जो प्लिंथ है ये ऐसे हॉलो है, इसमें जो है मटेरियल्स वगैरह कुछ फील नहीं है, यानी कि सिंपल बात ये हुई है कि हमारा जो ग्राउंड लेवल है
ओके मैं फिर से क्लिक करता हूँ, तो ये ग्राउंड लेवल पे जो है ये अंदर की तरफ इसको कोई भी प्लेन सरफेस या मास क्रिएट नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमारी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैं सपोज यहाँ पे ये जो मेरा ग्राउंड लेवल है यहाँ पे सिंपली उसको ही ऑन रखूँगा, एंड उसके बाद हमारा जो मेन यहाँ पे है ये आर्किटेक्चर में जाके आपको ये जो फ्लोर है इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो फ्लोर क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली एक बार क्लिक करता हूँ, यहाँ पे तीन टाइप है, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर फ्लोर बाय फेस, ओके, एंड लास्ट में है स्लैब एजेस। तो ये हमें फिलहाल ये जो बॉटम के तीन है वो रिक्वायर नहीं है, तो मैं फ्लोर आर्किटेक्चर पर जाता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद जो है मुझे यहाँ पे ऑप्शन आता है बाउंड्री लाइन का, तो उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद बाउंड्री लाइन यानी कि जो भी बाउंड्रीज है वो आप मार्क यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे शॉर्टकट लेना है तो मैं रेक्टेंगल लूँगा। अगर मेरा शेप जो है वो एग्जैक्ट रेक्टेंगल है तो मैं सिंपली यहाँ से यहाँ तक ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, ओके। तो ये जो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर फ्लोर बना रहा हूँ तो ये ऐसे पर्टिकुलर इस वाले रेक्टेंगल के अंदर अंदर बनेगा। उसके बाद सिंपली ये जो ग्रीन बटन है फिनिश एडिट मोड, इसको आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको सारे कमांड्स में से एक्सकेप कर देना है ताकि आप सारे कमांड से बाहर आ सके। उसके बाद मैं जाके 3D पर देखूंगा, तो ये देखिए 3D में जो है आपका जो ये पर्टिकुलर वॉल है ये प्लिन जो है ये विजुअल अभी भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको फिर एक बार साउथ पे क्लिक करना है। साउथ पे जाने के बाद यहाँ से आपको एक बार वॉल को चेक कर लेना है, तो ये वॉल या जो भी कुछ प्लिंथ है उसको आपको ये जो फ्लोर है उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब इसको कैसे आप एडिट कर सकते हो, एक्चुअल में ये जो एडिटिंग है वो एट द टाइम ऑफ लेवल्स आप क्रिएट करके भी उसको कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप बना रहे हो या बाय मिस्टेक आपसे छूट जाती है तो वो आप कैसे कर सकते हो वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपको ये फिर एक बार सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मैं पर्टिकुलर इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये फ्लोर 12 इंचेस यहाँ पे उसका जो भी कुछ थिकनेस है वो आया है, लेवल जो है उसका ग्राउंड लेवल यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस ग्राउंड लेवल को अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ एंड इसको प्लिंथ पे अगर लाता हूँ, ओके, तो ये मैंने प्लिंथ पे लाया है, एंड उसके बाद आपको सिंपली अप्लाई कर देना है, लेकिन उससे पहले हाइट ऑफसेट जो है वो भी आपको एक बार एडिट कर देना है। तो ये जो हाइट है वो मुझे जितनी मेरी प्लिंथ की है उतनी ही रखनी है, तो मैं यहाँ से करूँगा 0.6, ओके। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करके 0.6 करना है एंड सिंपली इसको मैं अप्लाई यहाँ पे कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे मेरा लेवल है उसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ, सपोज ये ग्राउंड लेवल से मुझे चाहिए, एंड इसको मैं अप्लाई एक बार कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप एक बार फिर 3D में जाके अगर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से आपका जो फ्लोर प्लान है ये सिंपली यहाँ पे ऐसे आ चुका है, ओके। तो ये हमारा हो गया बेसिक यहाँ पे फ्लोर प्लान को क्रिएट करना। उसके बाद मूव ऑन करते हैं, ग्राउंड लेवल हमारा यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद ग्राउंड लेवल ये कुछ ऐसा हमारा दिख रहा है, जो फिलहाल यहाँ पे हमने जो मास बनाया है तो इसी वजह से ये इसका जो आउटलाइन है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद मैं प्लिन पे जाता हूँ, तो प्लिन पे यहाँ पे कुछ ऐसा आपको सरफेस दिख रहा है। उसके बाद ये जो लाइन के प्रोजेक्शन है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप उस पर प्लिन डाल दिया तो ये जो है ये विजुअल नहीं होगा, उसके बाद भी आपको वॉल जो है वो विजुअल होती रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं प्लिन पे आया हूँ, अब मुझे जो प्लान बनाना है, सपोज मैं एलिवेशन पे एक बार जाता हूँ, तो यहाँ तक हमारा प्लान जो है वो बन चुका है। इसके बाद प्लिन पे आने के बाद प्लिन से हमें जो भी कुछ वर्कआउट है वो चालू करना है, तो अभी प्लिन पे आके हम जो है वॉल को एलिवेट सिंपली करेंगे एंड उसको ये जो स्लैब लेवल है यहाँ तक लेके जाएंगे। तो मैं सिंपली प्लिन पे जाता हूँ, प्लिन पे जाने के बाद मैं सिंपली फिर एक बार वॉल पे क्लिक करूंगा। वॉल पे क्लिक करने के बाद जो भी मेरी वॉल की प्रॉपर्टीज है वो एक बार आपको चेक कर लेनी है, ओके। तो सिंपली मैं यहाँ से ये जो पर्टिकुलर मेरा पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक एक वॉल इसको बना लेता हूँ। तो ऐसे मैंने जो है एक्सटीरियर वॉल बना ली। थोड़ा सा प्रिसीजन आपको मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ से, जैसे कि इस वॉल में जो है थोड़ा सा अलाइनमेंट यहाँ पे गलत हो गया था, तो पॉइंट को आप थोड़ा सा जूम अगर करके करोगे तो आपको और भी यहाँ पे इजी पड़ेगा प्रिसीजन को मेंटेन करने के लिए, ओके। तो ये हमारी एक्सटीरियर वॉल हो चुकी है, यहाँ पे जो है विंडोज़ अभी भी हमने प्लेस नहीं किए हैं, ओके। तो उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो सपोज़ मैं पहले तो 3D में जाके देखता हूँ, तो ये देखिए 3D में आपको कुछ ऐसा ये पर्टिकुलर आपका जो प्लान है वो दिख रहा है। तो यहाँ पे विजुअल स्टाइल पे आपको एक बार जाना है एंड यहाँ पे शेडेड पे क्लिक करना है, तो शेडेड पे आप क्लिक करते हो तो ये ऐसा आपका वॉल जो है ये बनना यहाँ पे ऐसे दिखेगा। अगर थोड़ा सा जूम करते हो तो यहाँ से आप एडिट टाइप उसका कर सकते हो विजिबिलिटी ग्राफिक्स में। सपोज़ अगर मुझे बदलना है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड ये जो मेरी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है या डायमेंशन है, ओके, तो इसमें आप एडिटिंग करके उसको कर सकते हो, या एडिट टाइप पे जाके सिंपली जो मटेरियल्स वगैरह है
ग्राफिक्स है उसको आप यहाँ पे कर सकते हो, उसके बारे में लेकिन हम बाद में मटेरियल्स में डिटेल में देखेंगे, बिकॉज हम यहाँ पे सिंपल एक फॉर्म कर रहे हैं प्लान को। ओके तो ये हमारा यहाँ पे प्लान ऐसे कुछ दिख रहा है, लेकिन इसमें अभी नेक्स्ट जो है वो है एक्सटीरियर वॉल तो हमने बना ली है, लेकिन उस पर जो विंडोज़ थे वो हमें प्लेस करने हैं। तो उसके लिए मैं फिर एक बार प्लिंथ पे जाता हूँ एंड जो मेरी विंडोज़ वगैरह है उसको प्लेस करता हूँ। तो विंडो के विजुअल यहाँ पे हमें विजुअल हो रही है यहाँ से। ओके तो इस विंडो को हम कैसे लगा सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको वॉल बना लेनी है, उसके बाद मैं जाता हूँ विंडो ऑप्शन पे। तो विंडो के लिए WN जो है वो सिंपल यहाँ पे एक यहाँ पे शॉर्टकट है। तो विंडो ऑन करते ही आपको बहुत सारे टाइप के यहाँ पे विंडोज़ साइज़ के विंडो मिल जाएंगे। ओके इसको अगर आपको चेंज करना है तो आप एडिट टाइप पे जा सकते हो। एडिट टाइप पे जाने के बाद यहाँ से जो है विंडो का जो भी ये डुप्लीकेट हमने जैसे वॉल का बनाया था वैसे ही आप इसको भी बना सकते हो, यानी कि साइज़ वगैरह उसका जो है स्ट्रक्चर है वो कर सकते हो। लेकिन हमें जो डील करना है यहाँ पे सिंपल फिक्सिंग हम यहाँ पे विंडो की कैसे करना है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सपोज़ मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पे जाके सपोज़ ये मेरे विंडो का पोजीशन है, इस पर मैं जाके क्लिक करता हूँ तो ये मेरी विंडो यहाँ पे प्लेस हो चुकी है। ओके सपोज आपको ये विंडो नहीं चाहिए, कुछ अलग यहाँ पे विंडो चाहिए, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो लोड फैमिली है यहाँ पे क्लिक करना है। लोड फैमिली पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसमें जाना है। तो सपोज मैं यहाँ पे जा रहा हूँ मेट्रिक लाइब्रेरी में, यानी कि मेट्रिक आपको कब सेलेक्ट करना है, जब आपका जो प्लान है वो मीटर्स में हो। ओके अदरवाइज आप इंपीरियर में भी जा सकते हो। तो ये मैं यहाँ पे मेट्रिक लाइब्रेरी में गया, उसके बाद जो है मेरी विंडोज़ है तो मैं सिंपली विंडो का जो भी कंपोनेंट है ये वाला या फोल्डर है उसमें जाऊंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे विंडो के आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, तो उसमें से कोई भी सुटेबल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये जो विंडो के कंपोनेंट्स है इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको सिंपली नेट पे जो है या वेबसाइट पे डालना है रिवेट, और आपका जो भी वर्जन होगा सपोज ये 2014 है तो रिवेट 2014 विंडो कंपोनेंट्स ऐसे सिंपली आपको डालना है, उसके बाद डाउनलोड करके आप यहाँ पे उसको कॉपी कर सकते हो। ओके तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया सपोज कोई भी एक एंड इसको सिंपली ओपन मुझे करना है। ओपन करने के बाद जो है ये सिंपली यहाँ पे लोड होगा हमारे पर्टिकुलर इस प्लेन में या सिंपली प्लान में, एंड प्लान में प्लेन हो यहाँ पे ये ऐसे आप यहाँ पे सपोज इसको प्लेस करना है तो प्लेस कर सकते हो। ओके तो इसके साइजेस के बारे में एक बार देख लेते हैं। सपोज ये पहले तो मैं इसको प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। ओके सिंपली मैंने एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो है एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको 3D व्यू में, तो 3D व्यू में आपको शिफ्ट प्रेस करके आप इसको ऑर्बिट कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसी प्लेस हुई है, जो पहली वाली वॉल थी वो विंडो थी वो बहुत ही सिंपल थी, उसके बाद दूसरी जो हमने सिलेक्ट की तो वो कुछ ऐसे यहाँ पे हमें दिखती है। ओके तो ये आप ऐसे उसको विजुअल कर सकते हो। ओके तो ये मेरी वॉल यहाँ पे जो विंडोज़ है वो हो गई। फिर एक बार मैं प्लिंथ पे आता हूँ तो जो मैं बात कर रहा था इसके साइजेस की, साइज एडिट करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे एडिट टाइप पे जाना है। एडिट टाइप पे जाने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट आपको बनाना पड़ेगा एंड सपोज ये विंडो 1 है या 2 है जो भी यहाँ पे आपके ड्राइंग में होगा तो यहाँ पे आपको उसको डालना है। एंड यहाँ पे जो भी उसका मटेरियल है या हाइट है, ये देखिए यहाँ से हाइट है उसकी विड्थ है, सपोज विड्थ है 2 एंड उसकी हाइट अगर है 1 या सिंपली 1.2 तो यहाँ से आप उसको कर सकते हो। देन प्रीव्यू उसका देख के आप यहाँ से उसके जो चेंजेस है वो यहाँ पे नोट कर सकते हो एंड सिंपली ओके या अप्लाई आप कर सकते हो। ओके तो ये देखिए यहाँ से इसका साइज है ये बढ़ चुका है। ओके देन नेक्स्ट चीज़ है उसका ओरिएंटेशन, यानी कि ये सेंटर में एग्जैक्ट है या नहीं या इसका डिस्टेंस कितना है, तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सपोज ये मैंने यहाँ पे विंडो प्लेस की है, उसके साइजेस भी एक बार मैं यहाँ पे 3D में आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये जो साइज़ है ये ऐसे इसकी बन चुकी है साइज़। ओके तो साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं या कम वगैरह आप कर सकते हो। तो ये हमारी साइजेस यहाँ पे प्ले एज पर साइज़ जो है चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन जो ओरिएंटेशन है या सिंपली प्लेसिंग है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये नोड्स है एंड ये डिस्टेंस है, तो यहाँ से ये जो नोड है ये सेंटर लाइन से होके रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये जो मेरा विंडो है उसका सेंटर यानी कि ये नोड एंड वहाँ से लेके इस लाइन का सेंटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो ये 2.4 है। ओके तो सपोज अगर मैं इस नोड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे जो 2.4 था वो हो गया 2.5 एंड जो डिस्टेंस अब मुझे मिलेगा तो वे ये जो है विंडो के सेंटर से एक्सटीरियर फेस तक मिलेगा। अगर मैं इस नोड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 3.5 हो गया, यानी कि जो मेरा डायमेंशन मिलेगा तो वो इस विंडो के एंड से लेके यहाँ तक मिलेगा। ओके उसके बाद अगर मैं फिर से यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो ये इंटीरियर आएगा एंड यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस वाले विंडो के इस वाले फेस पे आएगा। तो ऐसे करके आप जो है अपने पर्टिकुलर वॉल को जो है या विंडो को जो है यहाँ से
एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो डिस्टेंस है, अगर मैं डिस्टेंस यहाँ से एडिट करना चाहूँगा, सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ पे इस विंडो का ओरिएंटेशन है 1.5, तो मैं 1.5 एंटर कर दूंगा, तो ये देखिए यहाँ से ये आएगा। थोड़ा सा डिस्टेंस अगर ये कम हो गया, 2.5 एंटर करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ से ये ऐसे इस डिस्टेंस पे प्लेस हो जाएगा। उसके बाद मैं और एडिट करके देखता हूँ, 3, देन सपोज 3.2, ओके। तो ये ऐसे आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हो, ओरिएंटेशन को एडिट कर सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे बेसिक चीज़ हो गई कि आप यहाँ पे विंडोज़ को कैसे प्लेस करते हो। ओके, तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बन जाएगा, इसलिए बाकी के एडिटिंग में ऐसे ही रहने देता हूँ। आप यहाँ पे बाकी जो है आपके एज पर प्लान यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये मैं प्लेन पे फिर एक बार जाता हूँ। अब प्लेन पे जाके मेरा जो वॉल था उसका पोजीशनिंग हो गया है। उसके बाद डोर का जो पोजीशन है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपली डोर पे क्लिक करना है, DR जो है उसका यहाँ पे सिंपल उसका शॉर्टकट है। उसके बाद सिंगल फ्लश यहाँ पे डोर है, एंड उसके कुछ साइजेस हैं जो इंचेस में है, फीट में है। ओके, आप इसको एडिट टाइप करके जैसे हमने विंडो में करके देखा वैसे आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो होता है, ये साइजेस आने के बाद यहाँ पे सपोज डायरेक्टली मुझे सिंगल फ्लश नहीं चाहिए, तो मैं लोड फैमिली पे जाके जो है यहाँ पे जा सकता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से अगर मैं जाता हूँ, सबसे पहले तो मेट्रिक लाइब्रेरी आपको देखनी है, देन डोर्स, डोर्स में जाके बहुत सारे यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं जैसे कि विंडोज़ के थे, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन इसको ओपन करता हूँ। तो ये जो मेरा डोर है ये यहाँ पे उस पर्टिकुलर साइज़ का या उस लाइन का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली उसको मुझे जहाँ पे चाहिए यहाँ पे प्लेस करना है। एंड यहाँ पे एक बार मैं 3D इसका दिखा देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये 3D में ऐसा आपको दिखेगा। लेकिन अगर मुझे सपोज ये वाला जो पर्टिकुलर यहाँ पे डोर है इसका जो यहाँ पे फ्लिप है अगर वो एडजस्ट करना है, तो आपको ये फ्लिप द इंस्टेंट फेसिंग यहाँ पे क्लिक करना है। तो अगर इस पे क्लिक करते हो तो ये देखिए यहाँ पे ओपनिंग जो है अंदर की तरफ यहाँ पे हो जाएगी। देन अगर साइड वाला अगर फ्लिप आप करते हो तो उसका जो साइड है ये देखिए ऐसे आप उसका ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया इसके डोर के बारे में। तो सिंपल जैसे विंडो हमने प्लेस की वैसे ही डोर का भी यहाँ पे हमें यहाँ पे ख्याल रखना है। उसके बाद जो एक और सेटिंग जो इसेंशियल मुझे लगती है वो उसके बारे में बताता हूँ। तो मैं 3D पे पहले तो जाता हूँ। तो ये मेरा डोर सपोज यहाँ पे है। ओके, तो मैं सिंपली यहाँ पे डोर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो प्रॉपर्टीज आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लेवल है प्लिंथ, यानी कि जो भी इस डोर का बेस लेवल है वो प्लिंथ पे लोकेटेड है। उसके बाद सील हाइट, सील क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर बॉटम है इस ग्राउंड लेवल का, यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर डोर का डिस्टेंस, तो ये फिलहाल तो 0 है। सपोज अगर मैं इसको चेंज करता हूँ एंड इसको मैं कर देता हूँ सपोज 0.6 एंड एंटर करता हूँ, तो 0.6 एंटर करने के बाद जो है ये देखिए यहाँ से ये जो डोर है यहाँ से इतना 0.6 से एलिवेट हो गया है। लेकिन हमने ऑलरेडी प्लेन के लिए उतना डिस्टेंस छोड़ा है, तो इसीलिए ये जो है इसकी फिलहाल तो इस प्लान में ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सील हाइट कुछ गिवन होगी या आपके प्लान के हिसाब से अगर कुछ चेंजेस यहाँ पे होंगे तो वो आप परफॉर्म यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद 0 एंटर करके मैं या सिंपली Ctrl Z करके भी आप इसको वापस यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद ये विंडो के बारे में हो गया। देन उसकी जो फिर एक बार डोर्स के बारे में ही एक बात बताना मैं भूल गया कि हेड हाइट। तो हेड हाइट क्या होती कि होती है कि ये जो आपका हेड हाइट है यानी कि ये जो टॉप पोर्शन है ये पर्टिकुलर इस लेवल से ये टॉप तक की हाइट कितनी है, तो ये यहाँ पे हेड हाइट 2.1 है। तो ये हाइट जो है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे सील हाइट हमने एडजस्ट की वैसे ही हेड हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे मूव करता हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे जाता हूँ मैं विंडो पे, विंडो पे मैंने क्लिक किया, तो विंडो में भी यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशन यहाँ पे ऑन हो गए। ये जो लेवल है ये सील लेवल है, यानी कि ये पर्टिकुलर ग्राउंड लेवल से या सिंपली प्लिंथ लेवल से या लेवल से लेके इस वाले बॉटम पॉइंट तक यानी कि सील तक कितने हाइट आपको चाहिए। तो आप आइदर यहाँ से भी कर सकते हो या सिंपली अगर मैं इस पर्टिकुलर विंडो को अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ से भी सील हाइट जो है यहाँ पे आप सपोज यहाँ पे 0.91 दिख रही है, तो अगर मैं इसको कर देता हूँ 1.2 एंड इसको एंटर करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ से जो है ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एलिवेट हो चुकी है। तो सिमिलरली आप इसकी हेड हाइट जो है 2.4 यानी कि ये बॉटम से लेके इस पॉइंट तक जो बॉटम पॉइंट तक थी तो ये सील थी, एंड बॉटम पॉइंट से ये जो टॉप पॉइंट है यहाँ तक ये है हेड पॉइंट या सिंपली हेड। ओके, तो ये हेड हाइट आपकी हो गई। यहाँ से अगर आप 2.4 नहीं चाहते हो, सिंपली अगर ये कट टू कट आपको रखना है सपोज 3 यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखिए ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। तो ये आप ऐसे इसमें जो है चेंजेस जो है ये कर सकते हो यहाँ पे सील लेवल एंड जो भी आपका हेड हाइट है उसकी रिगार्डिंग।
ओके, तो ये बेसिक चीज़ें होगी, डोर विंडो आपको कैसे प्लेस करना है, देन लेवल्स में थोड़ा सा कैसे वर्कआउट करना है, तो ये आप इसके लिए जो सजेस्टेड है कि आपको प्रैक्टिस इसकी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप प्रिसीजन मेंटेन करोगे एंड स्पीड भी इसमें मेंटेन करोगे। ओके, तो ये हमारी सब चीज़ें हो गई यहाँ पे इन पर्टिकुलर ग्राउंड लेवल एंड प्लिन के बाद। तो प्लिन तक तो हमारा प्लान जो है यहाँ पे हो चुका है, बाकी भी एक्चुअल में इसमें विंडो वगैरह है लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है तो वो मैं पार्ट यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। ओके, तो ये प्लिन होने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ पर्टिकुलर एक बार लेवल्स पे, तो मैं साउथ लेवल पे गया। तो ये देखिए साउथ पे आपको ऐसे आपका एलिवेशन यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो ये डोर अगर इस साउथ में आपको दिखाई देगा, अगर लोकेटेड होगा तो ये ऐसा यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद अगर यहाँ पे मुझे नेक्स्ट स्टेप जो है वो है स्लैब, तो स्लैब को मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो मैं सिंपली स्लैब पे जाऊँगा। स्लैब पे जाने के बाद यहाँ पे सपोज मुझे यहाँ पे ये स्लैब जो है यहाँ पे ऑन हो चुका है, तो यहाँ पे आपको जो है लाइंस वगैरह दिख रही होगी, आउटलाइन दिख रहा होगा या प्लान दिख रहा होगा, तो वो आप कैसे यहाँ पे एडिट करोगे, तो उसके लिए आपको जाना है रूफ पे। अगर ये स्लैब ना कहते हुए अगर हम इसको सिंपली रूफ कंसिडर करें, स्लैब में आपको सेम चीज़ करनी है। आपको अगर स्लैब डालना है तो आप फ्लोर पे जाइए, फ्लोर पे जाने के बाद जो है यहाँ से रेक्टेंगल ले सकते हैं, क्योंकि ये शेप जो है डायरेक्ट डायरेक्टली यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, या सिंपली आप बाउंड्री लाइंस भी ले सकते हो। तो ये मैं सिंपली यहाँ पे इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये स्लैब ऐसे हो चुका है। यहाँ पे स्लैब होने के बाद इसको अगर मैं इस पर्टिकुलर 3D में देखता हूँ तो ये देखिए ये ऐसा यहाँ पे होगा। ओके, तो ये आपका स्लैब यहाँ पे हो गया। उसके बाद स्लैब पे जाने के बाद मैं एलिवेशन पे एक बार फिर जाता हूँ एंड यहाँ से एक और लेवल पे क्लिक करता हूँ, तो स्लैब लेवल मेरी हो चुकी है। उसके बाद मैं ये पिक लाइन लूँगा एंड यहाँ से ऑफसेट लूँगा। यहाँ से ऑफसेट अगर मैं लेता हूँ सपोज यहाँ पे 0.15 का, ओके, एंड 0.15 पे लेके सिंपली ये जो मेरा स्लैब है इस पर मैं, या जो लेवल है इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी एक लेवल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद सिंपली लेवल 4 यहाँ पे लिख के आया है तो इसको मैं क्लिक करके एडिट कर दूंगा रूफ। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली अब स्लैब के बाद रूफ प्लेस करूंगा, या स्लैब एंड रूफ आप दोनों भी मर्ज कर सकते हो, यानी कि एक ही है ऐसा भी दिखा सकते हो। तो ये मैं यहाँ पे रूफ पे जाता हूँ, यानी कि जो भी मैं वर्कआउट करूंगा तो वो पर्टिकुलर इस रूफ पे होगा। तो अब मैं रूफ बना के दिखाता हूँ आपको कि एक स्लोपिंग रूफ, आप डिफॉल्ट जो स्लोपिंग रूफ होता है तो वो कैसे आप प्लेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रूफ के लेवल पे आया, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे सिंपली रूफ पे क्लिक करना है एंड रूफ में यहाँ पे बहुत से टाइप है, रूफ बाय फुटप्रिंट, बाय एक्सट्रूशन फेस, देन सॉफिट फेस या गटर, तो इनके बारे में हम बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सिंपल जो है वो है फुटप्रिंट, तो उस पर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है बाउंड्री लाइन पे आपको क्लिक करना है। बाउंड्री लाइन पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको क्या करना है, अगर और आपका बाउंड्री लाइन एंड उसके बाद ये जो लाइन कमांड है वो ऑन है, तो आपको एक एक पॉइंट ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की लाइन, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लाइन। ओके, तो उससे अच्छा मुझे पता है कि मेरा शेप जो है वो रेक्टेंगल है, तो मैं सिंपली यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो है रेक्टेंगल इस यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो फेसेस है इसको आप यहाँ पे लॉक वगैरह भी कर सकते हो, लॉक अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे फिनिश एडिट मोड पे, यानी कि ये जो टिक का साइन है ग्रीन वाला, उसको आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपका रूफ कुछ ऐसा यहाँ पे 2D में दिखेगा। उसके बाद अगर मैं 3D पे जाता हूँ तो ये देखिए ऐसा आपका जो रूफ है ये आपको दिखाई देगा। ओके, उसके बाद मटेरियल्स वगैरह इसके आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो या क्या कर सकते हो, तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे कि आप इसको कैसे एडिट वगैरह करते हो। ओके, तो ये बेसिक यहाँ पे एक चीज़ थी जो आप परफॉर्म कर सकते हो एक सिंपल यहाँ पे प्लान बनाने के लिए। ओके, तो ये बहुत ही एक बेसिक सा प्लान था, तो आप ज़रूर एक अलग कुछ प्लान यहाँ पे बनाइएगा और उसको आप ट्राई करके देख लीजिएगा कि कैसे आप पर्टिकुलर इस ड्राइंग को यहाँ पे परफॉर्म कर पाते हो। ओके, क्योंकि आपकी जो लेवल्स है, देन उसके बाद प्लेसिंग ऑफ डोर्स विंडोज है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो 2D प्लान इंपोर्ट आप करते हो रिवेट में, तो वो आपको कैसे यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा एडिटिंग के रिगार्डिंग, तो ये जो है यहाँ पे कुछ गैप हमें दिख रहा है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सपोज मैं जाता हूँ रूफ पे एक बार फिर एंड इस पूरे रूफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जो उसका एलिवेशन है, सपोज मैं साउथ पे जाता हूँ, साउथ पे इसका एलिवेशन हमें कुछ दिख रहा है, तो ये लेवल जो है इसका यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद बेस लेवल जो है रूफ यहाँ पे मैंने किया है, तो इसको मैं कर देता हूँ स्लैब, तो इसका मतलब ये जो इसका बेस आएगा या लेवल आएगी वो स्लैब पे आएगी। उसके बाद अगर मैं 3D पे जा के देखता हूँ,
तो ये देखिए, ये ऐसे स्लैब लेवल पे इसको कनेक्ट हो चुका है, ओके। तो ये स्लैब एंड रूफ जो है, एक्चुअल में जब हम परफॉर्म करते हैं तो स्लैब एंड रूफ एक ही कंसिडर हम करते हैं, डायरेक्टली स्लैब पे ही हम जो है पैरापेट वगैरह चढ़ाते हैं, लेकिन मुझे रूफ जो है अलग से बताना था, तो इसीलिए मैंने ये सेपरेटली यहाँ पे उसका जो है ये पर्टिकुलर उसका लेवल बना के आपको दिखाया, ओके। तो यहाँ पे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एंड बाकी जो मटेरियल वगैरह एडिटिंग है वो हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कोई अलग प्लान लेके, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।